हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वाणी। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स की अंडर इंटरनेशनल लॉ। डिप्लोमेटिक एजेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स कौन होते हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल्स पे डिप्लोमेटिक एजेंट्स को क्या क्या इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ये सारा आज का हमारा डिस्कशन है। सबसे पहली चीज, अब डिप्लोमेटिक एजेंट्स आर द पर्सन हु रिसाइड इन अ फॉरेन कंट्रीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स बाय हुम दे आर डिस्पैच्ड। देखिए, जैसे इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन को जब हम देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ दो स्टेट्स की रिलेशन को गवर्न करने के लिए है, ठीक है। वैसे ही डिप्लोमेटिक एजेंट्स का काम होता है डिप्लोमेसी को एस्टेब्लिश, मतलब जो स्टेट की जो डिप्लोमेसी होती है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। डिप्लोमेसी का मतलब वो सारे मेथड्स, वो सारी प्रोसेस जिसके थ्रू दो स्टेट्स में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो सके लीगल या पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो एक ये डिप्लोमेसी को मेंटेन करने के लिए, म्यूचुअल रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपना एक डिप्लोमेटिक एजेंट को सेंड करती है, ठीक है। वो डिप्लोमेटिक एजेंट रिसाइड करता है दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, कैसा, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट बाय हुम दे आर डिस्पैच्ड। सपोज करिए दो स्टेट हैं ए एंड बी, एक स्टेट से ए स्टेट ने बी स्टेट में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छा स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है, क्या किया, ए स्टेट ने एक डिप्लोमेटिक एजेंट सेंड किया बी स्टेट में, ठीक है। तो वो जो डिप्लोमेटिक एजेंट है वो क्या है, वो बी स्टेट में रिसाइड कर रहा है, लेकिन वो रिप्रेजेंट हमेशा किसको करता है, जिस स्टेट ने उसे सेंड किया है, स्टेट ए का रिप्रेजेंटेटिव की फॉर्म में वो स्टेट बी में रहता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। द इट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द कंट्री हु डिस्पैच देम एंड द कंट्री टू विच दे आर एक्रेडिटेड, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो डिप्लोमेटिक एजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दो स्टेट्स के बीच में लिंक क्रिएट करना, ठीक है। ठीक, अगर ए स्टेट है बी स्टेट में, उनको अपने म्यूचुअल रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है या कोई भी लीगल पॉलिसीज पे काम करना है, बात करनी है, तो वो पर्टिकुलर डिप्लोमेटिक एजेंट काम करता है उस स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बनके, ठीक है। वो कंट्री उस डिप्लोमेटिक एजेंट को अपने ऑर्डर्स देती है और डिप्लोमेटिक एजेंट उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस स्टेट में वो रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिप्लोमेटिक एजेंट वो पर्सन होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी स्टेट का और रिसाइड करता है दूसरी स्टेट में, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा होगा जो फॉरेन से यहाँ इंडिया में पढ़ाई के लिए आते हैं या जो इंडिया से दूसरी कंट्री में पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उस स्टेट में जहाँ वो जाते हैं वहाँ भी इंडिया का या इंडिया में उनकी कंट्री का कोई ना कोई डिप्लोमेटिक एजेंट होगा, ठीक है। तो वो डिप्लोमेटिक एजेंट होने से क्या होता है कि अगर उन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो, आपने बहुत बार सुना होगा एम्बेसी वो लोग जाते हैं, ठीक है। वो क्या माना जाता है कि उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो लोग पढ़ने जा रहे हैं उस स्टेट में उनका जो गार्जियन के तौर पे एम्बेसी में डिप्लोमेटिक एजेंट्स बैठे हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी उनकी कंट्री को, ठीक है। तो अगर यहाँ उन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है या इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर हैं उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो डिप्लोमेटिक एजेंसी एम्बेसी में ही कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, सारा प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दो स्टेट में एक लिंक क्रिएट करना, म्यूचुअल रिलेशन को गवर्न करना डिप्लोमेटिक एजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर हैं। द राइट्स, द ड्यूटीज, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एसेट्रा ऑफ द डिप्लोमेटिक इन 18th सेंचुरी, देखिए जो भी राइट्स, इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस दिए जाते थे डिप्लोमेटिक एजेंट को, वो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुए देना, 18th और 19th सेंचुरी से, वॉज मोस्टली इन टर्म ऑफ कस्टमरी रूल्स, ठीक है। कस्टमरी रूल की फॉर्म में 18th से 19th सेंचुरी में डिप्लोमेटिक एजेंट्स को सर्टेन इम्यूनिटीज, सर्टेन प्रिविलेजेस देना स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखिए, अगर आपने कोई मूवीज देखी हैं या हम जब बात करते हैं रामायण या महाभारत की, ठीक है, तो वहाँ पे भी दूत की फॉर्म में डिप्लोमेटिक एजेंट वर्क करते थे, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, वो अगर कोई वॉर की सिचुएशन अराइज होती है तो पहले दूत को भेजा जाता था कि आप अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उस दूत को बहुत सारी इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस दी जाती थी, उस पर कोई अटैक नहीं होता था, ठीक है। अगर अटैक करते थे, ठीक है, तो क्या होता था, तो वो माना जाता था कि आपने वॉयलेशन किया है, ठीक है।
ठीक वही चीज सेम सीक्वेंस को आगे जा करके हमने डिप्लोमेटिक एजेंट्स के नाम में देखा। ठीक है, अब वो उनका जो काम है वो सिर्फ वॉर टाइम पे नहीं होता है, वो पूरे टाइम पे रिलेशन को गवर्न करने का काम होता है। ठीक है, तो 18th एंड 19th सेंचुरी में डिप्लोमेटिक एजेंट्स की इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस राइट को एज अ कस्टमरी रूल्स की फॉर्म में देखा जाता था। ठीक है, द फर्स्ट ग्रेट लैंडमार्क वॉज द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, वेयर इन द कस्टमरी लॉ रिगार्डिंग डिप्लोमेटिक एजेंट्स वर क्लैरिफाइड एंड कोडिफाइड। ठीक है, पहले क्या होता था कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स की जितनी राइट्स, ड्यूटीज, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस होती थी वो कस्टमरी रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती थी। ठीक है, कस्टमरी रूल था ये सारा, लेकिन 1815 कांग्रेस ऑफ वियना के बाद वो सारी प्रिविलेजेस, राइट्स, इम्यूनिटीज को कोडिफाई कर दिया गया। The contents of Vienna Convention were adopted finally in 1961. ठीक है, लेकिन adoption बहुत late हुआ, 1961 में adoption हुआ उस particular content का। The Indian Parliament passed the diplomatic relation on the basis of Vienna Convention 1972 to give effect to this convention. India ने इस convention के content को या इस convention को अपने domestic laws में लाने के लिए क्या किया, कांग्रेस ऑफ वियना 1972 को, ठीक है, इस कन्वेंशन को डिप्लोमेटिक रिलेशन को गवर्न करने के लिए इंडिया ने, इंडियन पार्लियामेंट ने लॉ पास किया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। द वियना कन्वेंशन अंडर आर्टिकल 14 डिवाइड्स देम इनटू थ्री क्लासेस। देखिए मैंने बोला था कि हम टाइप्स पे भी बात करेंगे, तो वियना कन्वेंशन ने खुद से ही आर्टिकल 14 के अंदर थ्री फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स, थ्री टाइप्स के बताए हैं। काम तीनों का सेम ही रहता है, सर्टेन चेंजेस रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक चीजें क्लियर है, अब नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एम्बेसडर्स, दे आर टू बी कंसिडर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, दे एंजॉय स्पेशल ऑनर एंड क्लेम टाइटल ऑफ एक्सीलेंसी। देखिए एम्बेसडर्स जो रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, डायरेक्ट हेड ऑफ द स्टेट के। ठीक है, डायरेक्ट हेड ऑफ द स्टेट के, जो भी उस स्टेट का हेड है उनके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक, जैसे इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, तो इंडिया का जो भी एम्बेसडर दूसरी कंट्री में होगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट के, और वो स्पेशल ऑनर और क्लेम करता है टाइटल ऑफ एक्सीलेंसी। ठीक है, एम्बेसडर्स जो रहते हैं, वियना कन्वेंशन 1961 अंडर आर्टिकल 4.1 ले डाउन दैट एम्बेसडर्स आर अपॉइंटेड विद द कंसेंट ऑफ द रिसीविंग स्टेट एंड शुड बी पर्सोना ग्राटा, दैट इज एक्सेप्टेबल पर्सन। देखिए पर्सोना ग्राटा बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि पर्सोना ग्राटा क्या होता है, पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है, नॉन मीन नो। ठीक है, वियना कन्वेंशन 1961 ने अंडर आर्टिकल 4.1 में ये लेट डाउन किया था कि जो भी एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जाएंगे दूसरी कंट्री में, सेंड किए जाएंगे, वो रिसीविंग स्टेट की कंसेंट से ही होंगे। ठीक है, एंड शुड बी पर्सोना ग्राटा, पर्सोना ग्राटा का मतलब होता है एक्सेप्टेबल पर्सन, कि वो स्टेट जहाँ पे सेंड किए जा रहे हैं एम्बेसडर या डिप्लोमेटिक एजेंट, वो स्टेट उनको एज, उनको एक्सेप्ट करेगी एज अ एम्बेसडर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पर्सोना ग्राटा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि जो स्टेट जिसने सेंड किया है एम्बेसडर, ठीक है, वो कंट्री जहाँ जिसको सेंड किया है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, तो क्या होता था, म्यूचुअल रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बन पाते थे। ठीक है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो नहीं करते थे उन एम्बेसडर्स को, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे कि ये डिप्लोमेटिक एजेंट है दूसरी कंट्री का। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट से ये चेंजेस आया 1961 के बाद कि जो उस कंट्री में भेजा जाएगा वो कंट्री अपना एक्सेप्टेंस देगी उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए एज एम्बेसडर, पर्सन के लिए माना जाता है। देखिए जो भी एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, वो भी उस कंट्री के ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, ठीक, ये यहाँ तक क्लियर है कि वो पर्सन्स भी ऑफिशियल्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के। तो ऐसा हो सकता है बहुत बार कि दूसरी कंट्री उन ऑफिशियल्स को नहीं रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, नहीं माने कि हाँ, या फिर उनको पहले से उन पर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है उनको एज अ एम्बेसडर, या अपनी कंट्री में रहने की परमिशन या प्रिविलेज, इम्यूनिटीज नहीं देना चाहती है उन पर्टिकुलर पर्सन को। इसलिए वो क्या करती थी, वो पर्सोना नॉन ग्राटा देती थी कि हम इस पर्सन को एम्बेसडर नहीं मानेंगे, आप किसी दूसरे पर्सन को भेजिए एज अ डिप्लोमेटिक एजेंट, एज अ एम्बेसडर। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए पर्सोना ग्राटा का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है डिप्लोमेटिक
एजेंट्स के लिए. एम्बेसडर अराइविंग इन अ स्टेट प्रेजेंट्स अ सीड लेटर ऑफ क्रेडेंस गिवन टू देम बाय हेड ऑफ सेंडिंग स्टेट. ठीक है, हमेशा एम्बेसडर जो है उनके पास जब भी वो अराइव करेंगे उनके पास एक सीड लेटर होगा हमेशा क्रेडेंस का, जो एक स्टेट जिस स्टेट से वो आए हैं वो उन्हें देंगे, उनके पास उन्होंने सेंड किया होगा उनको. When they are sent by Holy See, they are called papal legates. देखिए, different countries में, different countries या different administration जब उनको भेजते हैं अपने वहाँ से दूसरी कंट्री में, तो certain different names यहाँ पे बस change हो जाते हैं. Ambassadors का अगर Holy See, I think आप लोगों को clear होगा Holy See क्या है. Holy See एक administration है जो Catholic Church का whole administration देखता है. ठीक है, तो वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन होली सी अगर सेंड कर रहे हैं अपने एम्बेसडर्स को दूसरी कंट्री में तो उनको पैपल लीगेट्स बोला जाता है. अगर कॉमनवेल्थ कंट्री सेंड कर रही है तो उनको हाई कमिश्नर्स बोला जाता है. ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज जो है अगर वो सेंड करती है तो उनको सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज होती है. ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होता है. यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्टर प्लेनिपोटेंशियरी और एनवॉयज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये एक डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, दे डू नॉट एंजॉय स्पेशल ऑनर विच आर एंजॉय बाय एम्बेसडर. देखिए डिफरेंस यहीं पे है कि वो स्पेशल ऑनर जो एम्बेसडर को मिला जाता है वो स्पेशल ऑनर ये एंजॉय नहीं करते हैं. दे आर नॉट रिगार्ड एज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट बट दे डू नॉट रिसीव टाइटल ऑफ द एक्सेलेंसी नाइदर डू दे एंजॉय प्रिविलेजियस ट्रीटमेंट. ठीक है, देखिए मिनिस्टर प्लेनिपोटेंशियरी ने प्लेनिपोटेंशियरी या एनवॉय एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये ना ही स्पेशल ऑनर इंजॉय करते हैं एम्बेसडर्स के जितना, ना ही इनको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है हेड ऑफ द स्टेट का, ना ही ये कोई एक्सीलेंसी टाइटल इंजॉय कर पाते हैं, ना ही इनको सर्टेन प्रिविलेजेस का ट्रीटमेंट दिया जाता है. ठीक है, तो ये एम्बेसडर से एक नीचे क्लास है ऐसे समझिए. ठीक है, ठीक यहाँ तक क्लियर है? मतलब एक ऑफिशियल अगर है, एक ऑफिस है तो उसमें डिफरेंट क्लासेस रहती हैं, एक बॉस उसके अंदर एम्प्लॉयज. तो ये समझिए कि एम्बेसडर सबसे स्ट्रॉन्ग है, पोजीशन है, उसके नीचे आते हैं मिनिस्टर प्लेनिपोटेंशियरी. ठीक है, फिर आता है चार्ज डी अफेयर्स. दे आर एक्रेडिटेड बाय फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस नॉट बाय हेड ऑफ द स्टेट. देखिए एम्बेसडर्स को डायरेक्ट हेड ऑफ द स्टेट सेंड करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव भी डायरेक्ट हेड ऑफ द स्टेट का होता है, जबकि चार्ज डी अफेयर्स को फॉरेन ऑफिस जो रहते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, ठीक है, फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर्स होते हैं ये सारे फॉरेन ऑफिस से सेंड करते हैं और वो भी डायरेक्ट फॉरेन ऑफिस में ही दूसरे स्टेट के सेंड किया जाता है और ना ही हेड ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. दे देयरफॉर ऑन अराइवल प्रेजेंट अ लेटर ऑफ क्रेडेंस टू द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड दे डू नॉट एंजॉय ऑनर एंड टाइटल टू गिवन टू कैटेगरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, चार्ज डी अफेयर्स में भी यही है कि ये सर्टेन टाइटल्स को नहीं इंजॉय करते हैं, सर्टेन प्रिविलेजेस को नहीं इंजॉय करते हैं. ठीक है, और ये डायरेक्ट फॉरेन ऑफिस से फॉरेन ऑफिस में रिक्रूट किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं. ठीक है, इसमें कहीं भी हेड ऑफ द स्टेट का कोई रोल नहीं रहता है. ठीक है, और ये जो लेटर जो क्रेडेंस का सील लेटर लेके आते हैं वो भी फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर से सेंड किया जाता है. ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ये बहुत ही बेसिक है. आजकल देखें तो एम्बेसडर्स ही ज़्यादातर चीज़ों में, आज के टाइम में प्रेजेंटली एम्बेसडर्स का ही सबसे ज़्यादा रोल है. ठीक है, ये दोनों रोल जो हैं वो दिए जाते हैं तो वो नीचे अदर क्लासेस रहती हैं. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स. सबसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि फंक्शंस क्या हैं डिप्लोमेटिक एजेंट के. सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन. ओपनहाइम हमेशा ये कहते थे कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स क्या है, ही इज द माउथ पीस ऑफ हेड ऑफ स्टेट एंड इट्स फॉरेन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन टू बी मेड टू द स्टेट. ठीक है, जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं उनका काम सिर्फ एक ही है, रिप्रेजेंटेशन करना. अगर ओपनहाइम के अकॉर्डिंग देखें तो वो माउथ पीस है किसके, हेड ऑफ द स्टेट. जैसे हेड ऑफ द स्टेट ने कहा वो वैसे एक्ट करेंगे, वो बातें बोलेंगे, या जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा किस चीज के लिए, फॉर कम्युनिकेशन टू बी मेड टू द स्टेट. एक स्टेट को अगर दूसरे स्टेट से कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो डिप्लोमेटिक एजेंट के थ्रू ही करते हैं. ठीक है, कोई भी नेगोशिएशन करना हो तो भी. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज प्रोटेक्शन. डिप्लोमेटिक एजेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सेंडिंग स्टेट एंड ऑल्सो ऑफ इट्स नेशनल्स विद इन द लिमिट्स परमिटेड बाय म्युनिसिपल लॉ. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया स्टूडेंट्स के, उसमें दूसरा काम डिप्लोमेटिक एजेंट्स का होता है प्रोटेक्शन को लेकर के. ठीक है, पहली चीज वो अपने स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. दूसरा, अगर
जो हमने स्टूडेंट्स पे बात की कि जो भी उस कंट्री के नेशनल्स उस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए इंडिया और यूएस है, इंडिया का डिप्लोमेटिक एजेंट यूएस में रहता है, तो इंडिया के यूएस में जितने भी नेशनल्स रहते हैं वो उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। एक्सट्राडिशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो असाइलम का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि असाइलम में क्या होता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम होता है ना, उसमें क्या होता था, डिप्लोमेसी में रहने देते थे ना, ठीक है, ठीक, या कोई भी ऐसी दिक्कत आती थी या कोई भी ऐसा कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर कोई भी कभी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, तो वहां पे डिप्लोमेटिक एजेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने नेशनल के इंटरेस्ट को उस स्टेट में, ठीक है, ठीक है, तो वो असाइलम दे सकता है अपनी अपनी डिप्लोमेसी के या अपने जो उनका जो प्रमाइसिस होती है उसमें। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, और लेकिन उसकी जो लिमिट रहेगी वो हमेशा जो उस स्टेट का म्युनिसिपल लॉ है उसकी लिमिट के अंदर ही वो प्रोटेक्शन तक दे सकता है। यहाँ तक क्लियर है चीजें, ठीक है। नेगोशिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट, दे नेगोशिएट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंडिंग स्टेट विद द स्टेट टू विच दे आर एक्रेडिटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द। तो नेगोशिएशन बहुत सारी, अगर ऐसी भी हम लोग कोई ट्रेड से रिलेटेड कोई भी चीजें करते हैं, कोई पॉलिटिकल सॉरी कोई पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हैं, तो वहां पे जो भी नेगोशिएशन होता है वो भी डिप्लोमेटिक एजेंट ही नेगोशिएशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नेगोशिएशन, प्रोटेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव ये मेन फंक्शंस होते हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स, ठीक है। देखिए, जो वन ऑफ द पिलर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ इज द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज ऑफ द एम्बेसडर्स, हाउएवर द फॉलोइंग आर द इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स, ठीक। डिप्लोमेटिक एजेंट को सर्टेन इम्यूनिटीज एंड सर्टेन प्रिविलेजेस दी जाती हैं उस कंट्री के अंदर, ठीक है। क्यों दी जाती है ये अभी हम आगे देखेंगे। पहली इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस दी जाती हैं इनवॉयबिलिटी ऑफ पर्सन एज एनवॉयस, द डिप्लोमेटिक एजेंट्स आर एक्सटेंडेड पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इट कैन इफ एन इनवॉय इज अटैक्ड इट इज डीम्ड दैट अटैक वाज ऑन द कंट्री टू विच द इनवॉय इज बिलोंगिंग। सबसे पहली जो इम्यूनिटी या प्रिविलेज दिया जाता है वो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। जिस प्रमाइस में वो रहते हैं डिप्लोमेटिक एजेंट, वहाँ कभी भी अटैक अगर होता है, कोई भी अगर अटैक करता है, तो ये माना जाता है कि वो अटैक उस पर्सन पे नहीं हो रहा है, उस कंट्री पे अटैक हो रहा है जिसने उसे सेंड किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर उन दोस्त कंट्री की डिप्लोमेटिक अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स फिर इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से बहुत बार चीज़ें चेंज होती हैं दो स्टेट के रिलेशन में, ठीक है। इसलिए डिप्लोमेटिक एजेंट को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फर्स्ट इम्यूनिटी। सेकेंड है इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, द कोर्ट ऑफ द स्टेट वेयर द इन्वॉय इज पोस्टेड डू नॉट ट्रीट द इन्वॉय विद इन द क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, इट ऑर्डिनरी बिलीव दैट इन्वॉय विल बी वायलेट द लॉ ऑफ द होस्ट कंट्री, बट देर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेज वेन द इन्वॉय लूजेज द इम्यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल वेन द इंडर्जेंट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द होस्ट स्टेट। देखिए, जो अगर कोई भी सपोज ऐसा सिचुएशन आती है कि कभी भी उस पर्टिकुलर डिप्लोमेटिक एजेंट ने कोई क्राइम कमिट कर लिया उस कंट्री में, ठीक है, तो उस कंट्री का जो क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो उसके अंदर नहीं गवर्न होता है, ठीक है। उसको ये इम्यूनिटी है कि क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट के अंदर वो पर्सन, वो डिप्लोमेटिक एजेंट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है अगेंस्ट होस्ट स्टेट के अगेंस्ट ही, ठीक है, जिसने उसको अपनी कंट्री में रखा है उसके अगेंस्ट वो अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो उस केस में उस पर क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट का लगाया जा सकता है, लेकिन अदर देन दिस कोई भी क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन उस पर्सन पे नहीं लगा लगता है, ठीक है। अगर कोई क्राइम कमिट कर रहा है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसने अगर कोई क्राइम कमिट कर लिया तो उसको पर्सोना नॉन ग्राटा दे दिया जाएगा बाय दैट स्टेट, और उसको सेंड कर दिया जाएगा दोबारा उनकी स्टेट में कि आप रखिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल ज्यूरिसडिक्शन, सिविल ज्यूरिसडिक्शन से भी सेम, द इनवॉइस ऑल्सो इन्जॉय द इम्यूनिटी ऑफ सिविल नेचर, ऑल्सो नो सूट इज फाइल्ड इन द सिविल कोर्ट ऑफ द होस्ट स्टेट अगेंस्ट दैट। एज पर वेना कन्वेंशन थ्री एक्सेप्शन वर इम्यूनिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ होस्ट स्टेट ही हैज, इन अ मैटर ऑफ इनहेरिटेंस विद इनवॉइस सक्सेसर आर एग्जीक्यूटेड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द इनवॉय इन पर्सनल कैपेसिटी, ठीक है। देखिए, लेकिन उसकी जो पर्सनल कैपेसिटी है उस पे अगर कोई भी वो कोई भी ऐसा वॉयलेशन करता है, ठीक है, तो वहां पे सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे अगर कोई इमोबल प्रॉपर्टी उसने खरीदी है, ठीक है, होस्ट स्टेट में,
उससे रिलेटेड अगर कोई भी केस हो या कोई भी सक्सेशन से रिलेटेड हो जो उसके पर्सनल कैपेसिटी पे बात हो, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अगर उसने की हो उस कंट्री में उससे रिलेटेड कोई भी केस हो, तो वहाँ पे सिविल ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट नहीं होगा। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी से उसने कुछ इमोबल प्रॉपर्टी खरीदी है, उसने उसका जो सक्सेशन या एग्जीक्यूशन है वो, या कोई भी वो कमर्शियल एक्टिविटी अगर वो स्टेट में कर रहा है, उस उनके इन तीन एक्सेप्शंस में वो सिविल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। अदर देन दैट सिविल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो नहीं आते हैं। डिप्लोमेटिक एजेंट, ये इम्यूनिटीज हैं, प्रिविलेजेस हैं। इम्यूनिटीज रिगार्डिंग रेसिडेंसेस, प्रमाइज आर इनवॉयलेबल एंड नो सर्च इज अलाउड इन हिज रेसिडेंस। इफ एनी पर्सन इंट्रूड द प्रमाइसेस ऑफ एनवॉय टू अवॉइड अरेस्ट, इट इज ड्यूटी ऑफ एनवॉय टू डिलीवर सच पर्सन टू द होस्ट गवर्नमेंट टू डिसाइड। ठीक है, ये क्लियर है कि प्रमाइस में भी कोई भी पर्सन उसके, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रमाइस में अटैक नहीं हो सकता है, उस पर्सन पे अटैक नहीं हो सकता। दूसरा, जब भी सर्च उसकी प्रमाइस होगी, उसकी प्रमाइसेस को कभी भी अलाउ नहीं होता है कि सर्च करें या उसकी प्रमाइस को तोड़ दिया जाए। ठीक है, अगर कोई पर्सन इंट्रूड करता है प्रमाइस के अंदर, आता है अपने अरेस्ट से बचने के लिए या किसी भी चीज की वजह से, तो ये ड्यूटी मानी जाती है उस डिप्लोमेटिक एजेंट की कि वो उसे डिलीवर करे, अदर देन अगर असाइलम देने की बात है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रेजेंस इन अ कोर्ट एज विटनेस। ठीक है, वो जो डिप्लोमेटिक एजेंट है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता टू गिव एन एविडेंस इन एनी कोर्ट, बट ही हिमसेल्फ कैन वेव दिस प्रिविलेज एंड अपेयर बिफोर अ कोर्ट। ठीक है, ये समझ में आया कि उसको, उनके पास ये भी इम्यूनिटी है कि वो एविडेंस नहीं भी देना चाहते, उनके डिस्क्रिशन पे होता है डिप्लोमेटिक एजेंट के कि उनको एविडेंस देने हैं या नहीं देने, पर उनको कभी भी कंपेल नहीं किया जा सकता बाय कोर्ट। ठीक है, इम्यूनिटीज फ्रॉम टैक्सेस, टैक्सेस से उनको इम्यूनिटीज मिलती है, बट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड, इनकी उसको टैक्सेस देने रहते हैं। ठीक है, वर्शिप के रिगार्डिंग, एम्बेसी अपने रिलीजन, अपनी वर्शिप के मोड को चूज कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। राइट टू ट्रेवल फ्रीली इन टेरिटरी ऑफ रिसीविंग स्टेट, ठीक है, उनके पास राइट होता है कि वो फ्रीली ट्रेवल कर सकें, लेकिन सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ठीक है, कि वो उनके ऐसी जगह पर ट्रेवल नहीं कर सकते जैसे मिलिट्री मिलिट्री की जगह है, वहां पर वो नहीं, जब तक स्टेट परमिशन ना दे वो नहीं ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि देखो सर्टेन स्टेट की भी अपनी सोवरेनिटी है। ठीक है, अपनी इंटरनल अफेयर्स को गवर्न करने के लिए सर्टेन चीजें होती हैं, एक स्टेट दूसरी कंट्री के डिप्लोमेटिक एजेंट को हर चीजें नहीं दिखा सकती। ठीक है, ठीक, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि उन स्टेट के साथ उसकी रिलेशन अच्छे ना हो। ठीक है, तो कोई भी सर्टेन चीजें हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि फ्रीली ट्रेवल का मतलब है जहां मनाए वहां चले जाएं, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहती हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, ठीक है, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए उनके पास फ्रीडम है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी स्टेट को भी, और जिस स्टेट में वो स्टेट में भी वो किसी को भी कम्युनिकेशन के लिए, वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए फ्रीडम है उनके पास कि वो कम्युनिकेट करें, और अपनी स्टेट के साथ भी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो डिप्लोमेटिक एजेंट होस्ट कंट्री में है तो होस्ट कंट्री उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं, आप अपनी 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 कंट्री से आप बात नहीं कर सकते अपनी स्टेट से, नहीं, क्योंकि क्या है डिप्लोमेटिक एजेंट का काम ही क्या है, माउथ पीस है वो, एक तरीके से हेड या फॉरेन मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेटिव है, वहां से जब तक ऑर्डर नहीं आएंगे वो अपनी तरफ से कुछ भी एक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी फ्रॉम मिलिट्री एंड अदर लोकल ऑब्लिगेशन, सेम कि वेन अ कन्वेंशन ग्रांटेड द इम्यूनिटी टू एनवॉय फ्रॉम मिलिट्री एंड अदर लोकल ऑब्लिगेशन ऑफ द होस्ट स्टेट। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सारा कुछ आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, कि क्या क्या इम्यूनिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बोला था कि इम्यूनिटीज क्यों मिलती हैं, ठीक है, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस क्यों दी जाती है एक डिप्लोमेटिक एजेंट को, उसके पीछे तीन थियोरीज हैं। पहली थियोरी है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थियोरी या फिक्शनल थियोरी। ठीक है, ग्रोटियस ऑफ व्यू दैट एक्स्ट्रा टेरिटोरिटी ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट मीन दैट दो दे आर फिजिकली प्रेजेंट अपॉन द सॉइल ऑफ द कंट्री टू विच दे आर एक्रेडिटेड, दे रिमेन फॉर ऑल पर्पज अपॉन द सॉइल ऑफ द कंट्री टू विच दे रिप्रेजेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रोटियस ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिक एजेंट जो रहते तो होस्ट कंट्री में है, ठीक है, होस्ट कंट्री की सॉइल में रहते हैं, लेकिन माना जाता है कि वो सारे पर्पसेस के लिए किसकी, जिस कंट्री ने उन्हें सेंड किया है उनकी सॉइल पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमेशा उस कंट्री का। ठीक है, तो उस कंट्री में
तो उस कंट्री के रिप्रेजेंटेशन क्योंकि वो करते हैं, इसलिए उनको ये सारी इम्यूनिटीज, ये सारी प्रिविलेजेस दी जाती हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी या फिक्शनल थ्योरी के अकॉर्डिंग रहता है। फिक्शनल थ्योरी क्यों? क्योंकि रहते तो इस होस्ट कंट्री के सॉइल में है, पर क्योंकि फिक्शन के थ्रू ये माना जाता है कि वो दूसरी कंट्री के सॉइल में है जिस कंट्री ने उन्हें सेंड किया है, क्योंकि वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से, इसलिए ये इसको फिक्शनल थ्योरी भी कहते हैं। फंक्शनल थ्योरी, देखिए दिस थ्योरी ले डाउन दैट जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं आर गिवन इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर फंक्शन, क्योंकि उनका फंक्शन ही ऐसा है, प्रोटेक्शन उनका फंक्शन है, नेगोसिएशन उनका फंक्शन है, रिप्रेजेंटेशन। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको वो इम्यूनिटीज देना बहुत जरूरी है। ठीक है, टू परफॉर्म देयर लीगल एंड अदर फंक्शन, ये बहुत जरूरी है कि उनको वो इम्यूनिटीज, वो प्रिविलेजेस दी जाएं। ठीक है, और ये सिर्फ एक स्टेट का नहीं होता है, मतलब जो भी स्टेट्स होती हैं, अगर एक स्टेट का दूसरी स्टेट में वो डिप्लोमेटिक एजेंट है, उसको आप जो भी इम्यूनिटीज दे रहे हैं, वो सेम इम्यूनिटीज आपके डिप्लोमेटिक एजेंट को भी मिलेगी जहां आप सेंड करेंगे अपने डिप्लोमेटिक एजेंट को। ठीक है, तो ये सिर्फ एक साइड का नहीं होता है, दोनों साइड से होता है। ठीक है, जितना आप डिप्लोमेटिक एजेंट का ये जो वेना कन्वेंशन उसको परफॉर्म करेंगे, दूसरी कंट्री भी आपके डिप्लोमेटिक एजेंट के लिए उतना ही वो भी परफॉर्म करेंगी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी, अब रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी भी यही कहती है कि जो भी डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं रिगार्डेड एज एजेंट और द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोवरन स्टेट, दे देयरफॉर आर गिवन द सेम डिग्री ऑफ प्रिविलेजेस व्हिच आर गिवन टू प्रिंस या सोवरन। ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी सोवरन स्टेट का दूसरे की स्टेट में। ठीक है, तो उनको सेम डिग्री ऑफ प्रिविलेजेस एक प्रिंस को या एक सोवरन को जो दी जानी चाहिए दूसरी स्टेट में, वो सेम उनको दी जानी चाहिए। इस वजह से वो सारी इम्यूनिटीज, वो सारी प्रिविलेजेस एक डिप्लोमेटिक एजेंट्स को दी जाती हैं। यही डिप्लोमेटिक एजेंट को क्यों दी जाती है का रीजंस हैं ये तीन थियोरीज। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। यहाँ तक हमारे डिप्लोमेटिक एजेंट का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।